Baby needs lots of stuff and your diaper bag is going to become your home away from home. Hey guys, Kirti here and welcome back to my channel Mamma Super Kids. Being a mom of two lovely kids, today I am sharing my experience कि मैंने अपने बच्चों के diaper bag को किस तरीके से pack किया और हमें किस stage में किस चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो चलिए देखते हैं diaper bag essential या diaper bag में हमें बच्चों के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है. पहले मैं अपने डायपर बैग से स्टार्ट करती हूँ. यहाँ पर जो मैं डायपर बैग यूज़ करती हूँ वो है फिशर प्राइज ब्रांड का. और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो मेन पॉकेट है उस पर टू जिपर दिए हुए हैं जिससे ये वाइडली ओपन हो जाता है इस तरीके से. तो वाइड ओपन होने से क्या होता है, हमें इजिली एक्सेस करने के लिए किसी भी चीज़ों का मिल जाता है. और इन साइड पर एक और पॉकेट दिया हुआ है जिससे आप बच्चों की जो एसेंशियल या नीड की चीज़ें वो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में रख सकती हैं और वो आपके लिए इजीली एक्सेस होगा. और इसकी जिप भी बहुत ही स्मूथ है. इसके फ्रंट पे जो एक स्लीक पॉकेट दिया हुआ है जिस पर डायपर का मार्क बना हुआ है, यहाँ पे हम डायपर रख सकते हैं बच्चों के, जिससे हमें जब ज़रूरत पड़े तो हमें पूरा बैग ओपन करने के बजाय हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं. सेकंड एक छोटा सा और पॉकेट दिया हुआ है जिस पर पेसिफायर का मार्क दिया हुआ है. यहाँ पे आप बच्चे के पेसिफायर या फिर बच्चों के टीथर या आपकी जो भी नीड्स की चीज़ें वो रख सकती हैं. साइड पे टू पॉकेट्स हैं, एक पे डायपर वाइप्स रखने के लिए हैं इस तरीके से, तो आप डायपर वाइप्स रख सकती हैं. और अदर साइड पे है इंसुलेटेड पॉकेट जिस पर आप दो बॉटल इजीली रख सकती हैं अपने बच्चे के लिए. अगर आप ब्रेस्ट फिल्ड मिल्क पर है आपका बच्चा तो आप ब्रेस्ट मिल्क को भी आप बॉटल में निकाल के साइड में रख सकती हैं, या फिर आप फॉर्मूले को भी यहाँ पे रख सकती हैं जिससे आपका मिल्क है, बच्चों का मिल्क है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा. और बैक साइड पे जो दिया हुआ है वो कुशन पैड वाला बैक साइड है जिससे आपको अगर बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप बैग कैरी कर रहे हैं तो आपका बैग बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा. एंड ये बैग मुझे मेरी फ्रेंड ने मेरी बेबी शॉवर पे गिफ्ट किया था एंड आई लव दैट बैग. इसे मैं बहुत ही रफली यूज़ करती हूँ बट ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है. तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगी जब भी कोई बैग खरीदें तो इस तरीके का बेसिक चीज़ों को ध्यान पे बैग रखें जिसका पॉकेट सबसे ज़्यादा हो. और कलर इस तरीके का खरीदें जिससे आपके हस्बैंड भी इजली कैरी कर लें, क्योंकि कई बार होता है हम पिंक या इस तरीके का गर्लिश टाइप का कर लेते हैं तो हमारे हस्बैंड बैग को कैरी करना नहीं पसंद करते. और साइड जो बैग आते हैं डायपर बैग, उससे अच्छा बैकपैक होता है जिससे हमारे शोल्डर में भी पेन नहीं होता. बेस्ट थिंग जो हम अपने डायपर बैग पर कैरी करते हैं वो है डायपर्स. अगर आपका बच्चा छोटा है, 6 महीने से छोटा है, या फिर आप लॉन्ग जर्नी के लिए कहीं जा रही हैं तो आप अपने डायपर्स की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकती हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पू और पी ज़्यादा करते हैं तो उस टाइम पे हमें उनके डायपर्स फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है. तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग या फिर आप अपने ट्रैवल जर्नी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डायपर रख सकते हैं. डायपर के बाद हमारा आता है वाइप्स का, डायपर वाइप्स का. और मैं हमेशा कोई भी चीज़ें अपने डायपर बैग पे रखती हूँ वो होता है ट्रैवल साइज़ का. तो यहाँ पे भी मैंने डायपर वाइप्स लिया और साथ में मैं अपने ट्रैवल के लिए क्लिप ओपन वाला वाइप्स लेती हूँ. इससे क्या होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं या जो नॉर्मल ओपन होते हैं वाइप्स अगर उसे कैरी करते हैं तो वो डायपर वाइप्स ईजिली ड्राई होने के चांसेस होते हैं. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा क्लिप ओपन वाले ही डायपर वाइप्स अपने साथ कैरी करें, वो भी ट्रैवल साइज़ का. अगर आप डायपर वाइप्स यूज़ नहीं करती हैं क्योंकि कुछ बच्चे की स्किन होती है सेंसिटिव होती है, तो या तो आप उसके लिए वाटर बेस्ड वाला वाइप्स यूज़ कर सकती हैं या तो फिर जो हमारे मेकअप रिमूव करने वाले होते हैं इस तरीके के कॉटन पैड्स, तो उसे भी यूज़ कर सकती हैं. अब जब हम अपने डायपर चेंज कर लिए उसके बाद, तब हमारा आता है कि बच्चे के डर्टी डायपर को किस में कैरी करके रखें. तो इस तरीके से मैं एक प्लास्टिक बैग कैरी करके रखती हूँ अपने साथ में. इससे क्या होता है, हमारे जो वेट डायपर है या जो डर्टी डायपर्स हैं उसका ओडोर, उसका बैड स्मेल जो है वो इसमें सील हो जाता है और हमें अपने उस
बैग को इजली कहीं डस्टबिन पे हम थ्रो कर सकते हैं, नहीं तो कई बार चांसेस ऐसे होते हैं कि हमारा उस ड्राइवर को हम कहाँ थ्रो करें किस तरीके से, कि तो उससे भी आप प्रिवेंट सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये आपके ओडर को, जो बैड स्मेल को, सील करके रखता है। साथ ही साथ इस बैग की तब जरूरत पड़ेगी अगर आपका बच्चा कहीं स्पीड कर दिया है या फिर आपके बच्चे का वेट क्लोथ हो गया है, तो आप इस तरीके के बैग में भी आप कैरी कर सकती हैं। और हाँ, यहाँ पे आप हर बार डायपर चेंज करने के बाद में आप डायपर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए डायपर क्रीम यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं उसके डायपर जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज करती हूँ, जिसकी वजह से उसे कभी रैशेस होने के चांसेस भी नहीं हुए और मुझे नहीं लगा कि उसे डायपर क्रीम्स की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे का स्किन सेंसिटिव है या उसके रैशेस होते हैं, तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों के साथ में उसके साथ में डायपर क्रीम भी कैरी कर लें, जिसे आप डायपर चेंज करने के बाद पे उसके बट पे आप इजली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद पे हमें जो ज़रूरत होती है वो है सैनिटाइज़र की। तो यहाँ पे मैं जो सैनिटाइज़र यूज़ करती हूँ वो मोस्टली अल्कोहल फ्री वाला ही सैनिटाइज़र यूज़ करती हूँ, इस तरीके से फोम वाला। एंड जब आप अल्कोहल फ्री वाला सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो इसका चांसेस क्या होता है कि आपके हैंड ड्राई नहीं होते। समटाइम्स ऐसा होता है जब हम आउटिंग के लिए जाते हैं या बाहर जाते हैं तो हमें हैंड वॉश करने के लिए स्पेस नहीं मिलता, तो मोस्टली सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं और हमारे हैंड ड्राई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ट्राई करिए कि आपके अल्कोहल फ्री वाला सैनिटाइज़र यूज़ करिए। एंड नेक्स्ट थिंग जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ वो है फोल्डेबल चेंजिंग पैड। एंड ऑल दो ये चेंजिंग पैड आपके डायपर बैग के साथ भी आ जाता है, बट उसके साइज स्मॉल होते हैं और इसकी ज़रूरत, फोल्डेबल चेंजिंग पैड की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप बाहर जाते हैं, मॉल जाते हैं या कहीं पब्लिक रेस्ट रूम यूज़ करते हैं, तो एज़ यू नो वहाँ का जो टेबल होता है, चेंजिंग टेबल, वो कितना डर्टी होता है। तो आप हमेशा इस तरीके का अपने साथ में कैरी कर लें। और जो हमारे डायपर बैग के साथ आते हैं उसके साइज़ क्या होते हैं, चेंजिंग पैड के स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो जब हमारे बच्चे जैसे जैसे ग्रो होते हैं तो वो हमारे लिए साइज़ स्मॉल हो जाता है। साथ ही साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो हाथ पैर हिलाना चालू करते हैं और वो बाई चांस अगर टेबल को टच कर दें, और छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो मोस्टली अपने हाथ, अपने फिंगर को मुंह पे डालते हैं, तो उन्हें सीक होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक डायरिया या माउथ अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने हमेशा इस तरीके का फोल्डेबल चेंजिंग पैड यूज़ किया है जो साइज़ में बहुत अच्छे बिग साइज़ का है। तो ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप अपने बच्चे को लिटा के इसलिए आप उसका डायपर चेंज कर सकते हैं और इसे वाइप से भी कर सकते हैं क्योंकि ये वॉशेबल है। साथ में इसकी अच्छी बात ये है कि ये डिटेचेबल है, इस तरीके से यहाँ से ये डिटेच हो जाता है। ये देखिए, और अगर आपको सिर्फ ये पैड ही यूज़ करना तो आप इसे ऐसा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करती थी, यहाँ पे मैं एक डायपर यहाँ पे हमेशा कैरी करके रखती थी और साथ में सैनिटाइज़र, क्योंकि जब मैं पब्लिक टॉयलेट में जाती हूँ तो मैं पूरा डायपर बैग अपने साथ कैरी नहीं करती। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चे का डायपर चेंज करना है, तब मैं सिर्फ इसे ही अपने साथ में रेस्ट रूम पर ले कर चले जाती थी, लाइक दिस। और साथ में आप अपने छोटे बच्चे के साथ में अगर वो बर्प करता है तो बर्प क्लॉथ रख ले, क्योंकि कई बार हम जब भी फीड कराते हैं बच्चे को और हम बर्प कराते हैं तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है बच्चे उसे स्पीड कर देते हैं। तो आप हमेशा फीड कराने के बाद में या कभी भी हो तो इस तरीके से आप अपने बर्प क्लॉथ को रख सकते हैं साइड में, जिससे आपकी शर्ट डर्टी नहीं होंगे। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये एज अ बीप भी वर्क कर सकते हैं, लाइक दिस, इतना बीग है कि मैं भी इसे पहन सकती हूँ। तो इसे एज अ बीप की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन का है। मैंने बहुत सारे बीप ट्राई किए बट मुझे वो सब बीप अच्छे नहीं लगे। कि आप हमेशा प्योर कॉटन की बीप ट्राई करिए, वॉशेबल यूज़ करिए, क्योंकि आप हमेशा उसे वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। और इसका आप देख सकते हैं बहुत ही ईजली
तो ये मेरा हमेशा उसके जब से वो बाय बर्थ है वो अभी तक ये यूज़ होता है. जब वो छोटा था तो एज ए बर्थ क्लॉथ, देन अब वो बड़ा हो गया जब उसने बाहर का फूड लेना स्टार्ट कर दिया तो वो एज अ बीप की तरीके से मैं इसे यूज़ करती हूँ. अब अगर आपका बच्चा छोटा है, 6 महीने से छोटा है या बहुत छोटा है और आप कहीं सनी डे में जा रही हो या कोई विंडी हो आउटसाइड, तो इस तरीके का आप एक ये होता है रिसीविंग ब्लैंकेट, बहुत पतला कॉटन का है, तो इस तरीके का आप उसके स्ट्रोलर में भी कवर करके रख सकती हैं, या फिर आप बच्चे को अगर कंधे पे रखी तो उस पर भी आप इस तरीके से कवर करके रख सकती हैं. साथ में अगर आप नर्सिंग मदर भी हैं तो आप वहाँ भी इसे, अगर आप बाहर फीड कराना चाहें तो आप इस तरीके का एक कॉटन का ब्रेथेबल, क्योंकि कॉटन मैं इसलिए प्रीफर करती हूँ क्योंकि ये सफोकेशन इसमें बच्चे को नहीं लगता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है. तो इस तरीके का एक आप क्लोथ रख सकती हैं अपने साथ में. अपने बैग में मैं साथ में हमेशा एक ड्राई शीट कैरी करके चलती हूँ, क्योंकि अगर हमें बच्चे को कहीं पे बैठाना हो या फिर बच्चे को कहीं लेट आना हो तो इस तरीके का ड्राई शीट बहुत यूज़फुल होता है. तो आप इस तरीके का ड्राई शीट हमेशा अपने साथ रख सकती हैं, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के हाउस गई हैं तब भी इसे आप अपने ड्राई शीट को आप इजीली यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि यू नो कि ये बहुत क्लीन है. तो आप हमेशा इस तरीके का एक एक्स्ट्रा पेयर ब्लैंकेट रख लें आप छोटा सा, या फिर ड्राई शीट रख सकती हैं. नेक्स्ट आता है बेबी फूड का. अगर आपका 6 मंथ से बच्चा छोटा है तो फिर आप उसके लिए फार्मूला कैरी करके रख सकती हैं या ब्रेस्ट फीड को भी बॉटल में रख सकती हैं. अगर आप उस बच्चे को फार्मूला देती है तो आप अपने साथ में थर्मो फ्लास्क साथ में रखिए जब आपको बच्चे को फार्मूला मिक्स करके पिलाना हो, तो उस टाइम पे ये काम आते हैं. अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो आप उसके लिए घर से बना के फ्रूट और वेजिटेबल्स की प्यूरी रख सकती हैं, या फिर खिचड़ी रख सकती हैं, या फिर आप इस तरीके से मार्केट से पाउच भी आते हैं ऑर्गेनिक वाले, आप उसे भी यूज़ कर सकती हैं. अगर आपके पास टाइम नहीं है, कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हम वहाँ पे अपने घर से फूड नहीं लेके जा रहे हैं, तब अगर आपका बच्चा, और साथ में हाँ उसके लिए एक पानी बॉटल, अगर वो 7th मंथ से प्लस हो गया, क्योंकि 7 मंथ्स के बाद बच्चे सीपी कप में इजली वाटर पी लेते हैं, तो इस तरीके से आप उसके लिए सीपी कप वाले बॉटल रख सकती हैं. अगर साथ में बच्चे के लिए कुछ स्नैक्स रख सकती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे रास्ते में जब उनका मुंह चलता रहता ना तो बहुत चुप रहते हैं. मेरे बच्चों के साथ तो यही है कि उनके जब मुंह चलते रहते हैं वो खाते रहते हैं, तो वो कार सीट पर बड़ी आसानी से बैठे रहते हैं. एंड साथ में एक स्पून भी कैरी कर लें. और अगर बच्चा 12 मंथ से या अगर उसे स्ट्रॉ से पीना आ गया तो इस तरीके से आप बॉटल कैरी कर सकती हैं. तो ये रहा उनका फूड सेक्शन कि हमें क्या क्या उसके लिए स्नैक्स हैं, बेबी फूड्स हैं, बॉटल हैं, फॉर्मूला, थर्मोफ्लास्क, इस तरीके से आप उसके एज के अकॉर्डिंग आप अपने साथ कैरी कर सकती हैं. आपके बच्चे 6 महीने से छोटे हैं तो आप उसके लिए इस तरीके की रैटल रख सकती हैं, या फिर कुछ सॉफ्ट टॉय रख सकती हैं, साथ ही कुछ लाइट और म्यूजिक वाले टॉय रख सकती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे लाइट से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, साउंड से बहुत अट्रैक्ट होते हैं. तो इस तरीके का आप टॉय रख सकती हैं, रैटल रख सकती हैं. और मेरे बच्चे को बुक रीड करना बड़ा अच्छा लगता है, आजकल उसे नया इंटरेस्ट आया है, तो मैं उसके लिए हमेशा इस तरीके के एनिमल्स की बुक्स कैरी करके रखती हूँ. तो ये रहा उसका बुक. तो आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आप रख सकती हैं. अगर वो बड़ा हो गया है, आप स्टोरी सुनने लाइक करता है, तो आप उसके लिए बुक कैरी करके रख लीजिए. और अगर वो छोटा है, और अगर डायनासोर, अगर वो छोटा है तो फिर आप रैटल रख सकती हैं या कोई भी सॉफ्ट टॉय रख लीजिए अपने साथ में. और अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसके लिए पेसिफायर रख सकती हैं. अगर उसका 6 महीने से बड़ा, या कुछ बच्चों के टीथ जल्दी आ जाते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू कीप द टीथर, क्योंकि क्या होता है जब हम ट्रैवल करते हैं बच्चे टीथिंग के टाइम पे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, तो आप अपने साथ में हमेशा टीथर जरूर कैरी करके रखें. और जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो टीथर बहुत जल्दी गिराते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करके रखती हूँ, मैंने एक वाइप्स लिया हुआ था, पेसिफायर वाइप्स, जिसमें आप टीथिंग टॉय भी वाइप्स कर सकती हैं, बॉटल कप सब कुछ वाइप कर सकती हैं. और अच्छी बात यह है कि ये नो अल्कोहल और नो हार्मफुल केमिकल फ्री हैं. तो इसे भी मैंने एक ट्रैवल साइज का कर लिया था, क्योंकि बाहर हमें वाटर अवेलेबल नहीं होते, घर पर तो हम
इजली वाटर से वाइप कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं बच्चों के टॉयज को या फिर टीथर या पेसीफायर को, बट बाहर के लिए हमें इस टाइप के बहुत जरूरी हो जाते हैं पेसीफायर वाइप्स के। अगर आपका बच्चा मेडिकेशन में है तो आप उसके मेडिसिन भी अपने साथ में कैरी करना ना भूलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा अपने डायपर बैग में ये बैंडेज और साथ में एंटीसेप्टिक क्रीम जरूर कैरी करके रखती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं या फिर बच्चे दौड़ना स्टार्ट कर दिए तो उनके गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तब उन्हें स्क्रैच आ जाता है, तब हमें ये आप इजली अपने साथ में अगर कैरी करती हैं तो आप उसे बैंडेज या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकती हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चे के बेबी आइटम्स को उसके एज के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। एंड आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है होगी देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।